ये एहसास ये कहता है कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम जर्नलिज्म को भी नहीं मानते, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि हम वोट के मत की ताकत को चुनौती देते हैं। ये बातें रावण जैसी है, ये बातें अहंकार जैसी है, और ये बातें ये भावना जताती है कि लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं लोग। जब ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, जब रिजल्ट आएंगे तो जनता जीतेगी, बीजेपी हारेगी। अब की बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटों की उम्मीद? मैंने कहा ना, रिजल्ट आएंगे तो जनता जीतेगी, बीजेपी हारेगी। हम ये बीजेपी जैसी बातें मैं नहीं कर सकता हूं, पर क्यों दे बीजेपी को वोट? मोदी जी ने 14 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपके परिवार में किसी को मिला? इतने जो खड़े इनमें से किसी को मिला? एक जनता आपके आस पड़ोस में किसी को मिला? आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, तो आपको पेट्रोल जब 60 था, अब तो 130 का मिल रहा है ना, कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो मीठा तेल महंगा, चावल महंगे, राशन महंगा, पानी तक महंगा, दूध तक महंगा, तो इनको वोट क्यों दे? रोजगार नहीं है, महंगाई है, काला धन आएगा, 15-15 स्विस बैंक होगी, SBI की लिस्ट आई, ये खुद निकल गए सबसे बड़े बॉन्ड में घपले करने वाले। इतना बड़ा करप्शन, जिसपे ED की छापा डला उससे चंदा ले लिया, जिसको टेंडर दिए उससे चंदा ले लिया, और वो तो लिखित में आ गया ना सामने। तो आप लोग बताओ सब। धन्यवाद। प्रियंका जी ने कहा था छठी अनुसूची के लिए लागू करने की नहीं, बात ये बार बार कांग्रेस पार्टी नीतिगत मामला है। हम जो बोलते हैं दंके की चोट बोलते हैं, और हर हालत में बोलते हैं छठी अनुसूची 80% से आबादी ज्यादा है, हम छठी अनुसूची जारी करेंगे। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।